स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल डीके डिजिटल कैश में। यहाँ पर आप लोग साथ में बात करने वाला हूँ नेपट्यून नेटवर्क के बारे में। तो भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने नेपट्यून नेटवर्क का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको ओपन किया हुआ है और कुछ पोस्ट जो है हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे काफी पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे कि ये जो पार्टिसिपेंट है ये है आपके कोलंबिया से, एंड इसके बाद यानी कि ये ऑफलाइन मीटिंग्स जो है हुई है कोलंबिया के अंदर। इसके बाद यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको आप लोगों के साथ में यहाँ पर मैं शेयर करूंगा, बट लेट्स सी कि कहाँ कहाँ पर कुछ ऑफलाइन मीटिंग्स जो है वो हमें देखने को मिली हैं। तो यहाँ पर कोरिया के अंदर भी कुछ ऑफलाइन मीटिंग्स हुई हैं, ये हो गया आपका केन्या, केन्या के अंदर भी कुछ ऑफलाइन मीटिंग्स हुई हैं, एंड इसके साथ साथ यहाँ पर ये हो गया आपका समवेयर इन साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया, ठीक है। तो नाइजीरिया साउथ अफ्रीका के अंदर भी कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज देखने को मिली हैं। इसके साथ साथ ये आपका मलेशिया जो रिसेंटली अभी जो अपडेट है, और इंडिया के अंदर भी ऑफलाइन मीटिंग यहाँ पर कुछ लोगों ने की है, ठीक है। इसके अलावा चलिए तो ये कुछ एक्टिविटीज यहाँ पर अभी फिलहाल नेपट्यून नेटवर्क के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिली है। बट इसके अलावा यहाँ पर अभी फिलहाल एंटी टोकन्स को रिलीज करने का क्या प्रोसीजर है या कैसे आप लोग अपने एंटी टोकन्स को विड्रॉल कर सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर कुछ बातें, कुछ पोस्ट जो है ग्रुप के अंदर मैंने देखी, तो मैं आप लोग साथ में इसको शेयर कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों चलिए इससे पहले कि हम सभी लोग आगे बढ़े, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखा हो, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पर सभी लेटेस्ट एयर ड्रॉप्स और नए नए क्रिप्टो माइनिंग प्रोजेक्ट्स को ज्वाइन करने का मौका आप लोगों को यहाँ पर मिल सके, ठीक है। सो अभी फिलहाल यहाँ पर नेपट्यून नेटवर्क ने काफी एक्टिविटीज ऑफलाइन इवेंट्स जो है यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज के अंदर किए हैं और काफ़ी बड़ा यूज़र बेस यहाँ पर इन्होंने जो है बना लिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये एक इनका ग्रुप है जिसमें 20,000 सब्सक्राइबर है। इसके अलावा सेकंड ग्रुप भी है जिसमें लगभग इससे ज़्यादा ही लगभग 50,000 एक मिलियन के आस या 100,000 के आसपास जो है यहाँ पर इनके सब्सक्राइबर होंगे। एंड फिलहाल जो अभी जो मैंने चीज़ यहाँ पर ओपन की हुई है, तो सबसे पहले तो ये बोलूँगा भाई अगर कोई आप में से अगर इसके अंदर इस एयरड्रॉप के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया करना चाहता है तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दिया, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया कि कैसे आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर कुछ एंटी टोकन जो है वो मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टेकिंग और अनलॉकिंग रूल्स है, ये कि आप एंटी टोकन को स्टेकिंग पर लगा सकें, उसका जो अनलॉकिंग रूल्स है वो यहाँ पर मेंशन है, जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि एटलीस्ट 100 USDT और 1000 TRX टू पार्टिसिपेट इन डिफाइड ट्रांजेक्शन। अगर आप इस तरह की डिफाइड ट्रांजेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 100 USDT या 1000 TRX का आप लोगों को यहाँ पर डिपॉजिट करके स्टेकिंग पर इसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके अलावा जो यहाँ पर डिपॉजिट और विड्रॉल मनी है वो नो लॉकिंग पीरियड है, यानी कि जो सबसे अच्छी बात इसके अंदर यही है कि भाई किसी तरीके का कोई टाइम पीरियड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को एक महीने के लिए लॉक पर लगाना पड़ेगा या 2 हफ्ते के लिए लॉक पर लगाना पड़ेगा, आप लोग सिंपल किसी भी टाइम डिपॉजिट करें, किसी भी टाइम विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो एंटी टोकन जो है वो ऑटोमेटिकली रिलीज होते चले जाएंगे हर 5 दिन के बाद, बेस्ड ऑन कि कितना उसका करंट वैल्यू है मार्केट के अंदर, कितना उसका प्राइस है उसके हिसाब से। और जितने ज़्यादा आप लोग स्टेकिंग पर लगाएंगे उतने ज़्यादा आपके कॉइन्स जो वो रिलीज होते चले जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 100 USDT 5 डेज के अंदर 25 एंटी टोकन्स रिलीज करेगा, 500 USDT आपका 5 दिन के अंदर 125 एंटी टोकन्स रिलीज करेगा। इसी की तरह 1000 का आपका 5 दिन के अंदर 250, 10,000 का आपका 250, उसके बाद 50,000 का 12,500 और उसके बाद काफ़ी बड़ी अमाउंट जो है यहाँ पर मेंशन है। सो एनीवेज बाय एनालॉजी एज द प्लेज अमाउंट इंक्रीज, जितनी ज़्यादा आपकी जो प्लेज अमाउंट इंक्रीज होगी उतनी ज़्यादा आपके एंटी जो टोकन्स है वो रिलीज होंगे। एंड एनी अमाउंट एक्सीडिंग 100 USDT और 1000 TRX कैन बी ट्रेडिंग इन डिफाई, और 100 से ऊपर या 1000 TRX से जो भी बड़ी अमाउंट होगी वो यहाँ पर डिफाई के अंदर ट्रेडेबल है और मल्टी डिफाई प्रोजेक्ट्स के अंदर भी आप लोग यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं या पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन रिडीम रिलीज एंटी टोकन ऑन नेपट्यून नेटवर्क, तो यहाँ पर अपने जो एंटी टोकन से आप उसको रिडीम या विड्रॉल कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रॉन लिंक वॉलेट के अंदर। तो मेक श्योर कि भाई अगर आप यहाँ पर इस तरीके कोई स्टेकिंग पर अपनी चीज़ें करते हैं, अपने कॉइन्स को स्टेक पर लगाते हैं, अपने एसेट्स को स्टेक पर लगाते हैं, तो ट्रॉन लिंक वॉलेट आपके फोन के अंदर जरूर हो, वहाँ पर आपका अकाउंट जो है जरूर बना हुआ हो। बाकी दोस्तों मैं यही बोलूंगा कि भाई क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है कहीं ना कहीं आपका जो मनी है या आपका जो अमाउंट एसेट्स हैं
ठीक है, उसको डिपॉजिट करने की यहाँ पर बात करी जा रही है। यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल कि आप यूओबी के अंदर स्टेकिंग पर लगाते हैं, बाइनेंस के अंदर स्टेकिंग पर लगाते हैं, तो आपको वहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करने के लिए इन्होंने ये मेथड जो है यहाँ पर रखा है, जिसमें आप लोगों को इसके लिए अप्रोच किया जा रहा है कि भाई आप लोग आओ इनके प्लेटफॉर्म पर डिपॉजिट करके यहाँ पर कॉइन्स को स्टेक पर लगाओ और जो है एंटी टोकन्स को रिलीज करो। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई मेरी तरफ से कोई यहाँ पर ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने अभी तक कोई इसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके की जो है डिपॉजिट करके अभी कोई स्टेकिंग पर कुछ भी नहीं लगाया है। अब इसमें अगर आप लोगों को कुछ भी इंटरेस्ट लगता है और आपको लगता है कि हाँ भाई इस प्रोजेक्ट को हमने अच्छे से रिसर्च कर लिया है, हमने बहुत अच्छे से देख लिया, तो आपकी अपनी चॉइस, आप खुद अपने हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को रिसर्च करें और उसके बाद में अगर आपको ठीक लगे तो स्टेकिंग पर लगाएं। क्योंकि मेरा काम है यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करना, बाकी उसके बाद आप लोगों का जो भी डिसीजन वो आपके ऊपर, कोई आपको ज़बरदस्ती यहाँ पर फोर्स नहीं कर रहा है। तो मेक श्योर कि भाई अगर आप यहाँ पर स्टेकिंग पर लगाएं अपने एंटी टोकन्स को रिलीज करने के लिए, तो आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपने प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर जो है इसके बारे में अच्छे से समझ रखा हो, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर इस तरीके की स्टेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, बाकी और भी नए नए प्रोजेक्ट्स और नए नए माइनिंग प्रोजेक्ट्स जो मार्केट के अंदर हैं, जो कि मैं आप लोग साथ में इस चैनल पर शेयर करने वाला हूं, तो मेक श्योर कि आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखा हो, जिससे कि आप लोग उन प्रोजेक्ट्स के अंदर बिना किसी इन्वेस्टमेंट के जो है पार्टिसिपेट कर पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स को मिलियंस, लाखों, करोड़ों की अमाउंट में जो है कलेक्ट कर पाओ। इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।